ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रहलाद नगर अहमदाबाद में आया हुआ एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है गी गुड। और पता है इस रेस्टोरेंट की खास बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, इस रेस्टोरेंट में आपको खाने को 50 नहीं 60 नहीं 70 नहीं, खाने को आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 101 आइटम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना, खाने को आपको मिलेंगे इस रेस्टोरेंट में पूरे 101 आइटम। क्यों हिला डाला ना? और 101 आइटम्स होने की वजह से इसमें फायदा ये हो जाता है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ गए हो जिसमें बच्चे भी हैं बुजुर्ग भी हैं, तो इसमें 101 आइटम है जिसमें कुछ आइटम्स बच्चों को भी पसंद आ सकती है, कुछ बुजुर्गों को भी पसंद आ सकती है। तो इन शॉर्ट आपकी पूरी फैमिली के लिए एक परफेक्ट रेस्टोरेंट रहेगा। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से हाथ में पहनने वाला बैंड दिया जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट काउंटर के बिल्कुल सामने ही गणपति जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति रखी गई है जिसके साथ आप अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। और ये है सबसे मेन जगह जहाँ पे सारी की सारी फूड आइटम्स रखी है। अगर आपको कोई भी फूड आइटम्स चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। और इसमें से आपको जो भी आइटम जितनी बार भी चाहिए आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। कोई भी ऐसी आइटम नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगी, 101 आइटम में से 101 आइटम आपको अनलिमिटेड मिलेगी आप। और यहाँ पे चार्ट काउंटर जिसमें आप अपने तरीके से कस्टमाइज करवा सकते हैं चीज़ों को। और चार्ट काउंटर में है दाल पकवान। और यहाँ पे आप डिश लेके आपको जो भी आइटम्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सब्जियाँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट में टेबल पे सिंगदाना, चना, घी, गुड़, छाछ और कोल्ड ड्रिंक भी रखे हुए थे। सो ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ का खाना, टेस्ट, क्वालिटी सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा था। सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर खाना खाने का प्लान बना रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट का आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। सो ये घी गुड रेस्टोरेंट पूरे गुजरात में वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद, आणंद ये चार सिटीज़ में आया हुआ है, जिसमें से अहमदाबाद में ही 5 ब्रांचेज है इसके। और इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ओपन रहेगा और शाम के 7 बजे से लेके 11 बजे तक ओपन रहेगा। और ये है यहाँ का सबसे मेरा फेवरेट काउंटर जो है स्वीट का काउंटर। इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के आपको स्वीट्स देखने को मिलेगी, सारी की सारी स्वीट्स एक से बढ़कर एक थी। और इस काउंटर में है पिकल्स, सलाद, चटनी, फ्रूट्स और रायता। और इस काउंटर में है दही वड़े, बहुत सारे श्रीखंड, रसगुल्ले और फ्रूट कस्टर्ड। सो इस काउंटर पे है अलग अलग तरह की दाल, राइस, कढ़ी, मसाला खिचड़ी, यहाँ पे वेज पुलाव भी था। इसके अलावा फुलका रोटी, पूरी, बाजरे का रोटला, ये सारी चीज़ें आपको गर्मा गर्म आपके टेबल पे सर्व की जाती है। सो यहाँ पे इस तरीके का एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल भी था। सो अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ गए तो आप यहाँ चाहे तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, या फिर बाहर की तरफ जहाँ पे सब लोग बैठे हैं टेबल चेयर पे वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। सो अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 250 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाला रेस्टोरेंट है ये। अगर आपको कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी रखना हो तो यहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। सो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अगर आप ऑनलाइन कार्ड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको 380 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और वही आप कैश के थ्रू पे करेंगे तो आपको 410 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और जाते जाते आपको 6 टाइप के मुखवास भी मिलेंगे।